आज हम स्टार्ट करेंगे आपके महात्मा गांधी जी से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 100+ एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। यह आपकी एक स्पेशल सीरीज है ऑन द ओकेजन ऑफ 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और ये सारी सीरीज़ आपके SSC MTS एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे स्किप ना करें, ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था और वह कहां के दीवान थे? तो महात्मा गांधी के जो पिता का नाम था करमचंद्र गांधी और वो राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई जो था महात्मा गांधी की माता का नाम था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की हत्या कब और किसने कर दी थी? तो गांधी जी की हत्या 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन 1903 में ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और इसका ये नाम था। महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? तो सितंबर 1906 में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा थी वो अहमदाबाद से शुरू की थी। महात्मा गांधी जी ने अंटो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने का शीर्षक को क्या नाम दिया? तो महात्मा गांधी जी ने अंटो दिस लास्ट को गुजराती में ट्रांसलेट करने के लिए इसका शीर्षक क्या दिया? सर्वोदय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? तो महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 1893 में क्या है आए हुए थे। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो ये स्लोगन जो है वो दिए महात्मा गांधी जी दिए थे। महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है बल्ला भवन के बगीचे में की गई थी। ये कथन किसने कहा कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो ये स्टेटमेंट जो कहा गया है वो किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कहा है। किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसान नेता राजकुमार सुकलिंगे ने गांधी जी को जो चंपारण आंदोलन था उसको स्टार्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था, इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च था 12 मार्च 1930 को क्या हुआ स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई जी थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को और उनके सहयोगी ने साबरमती आश्रम में दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? तो 24 दिनों में 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, गांधी जी को अर्ध नन्ना फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्ध नन्ना फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस काल में गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर 1921 तक जो है गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने महात्मा गांधी? एक बार बने, वो भी कब? 1924 के बेलगांव सम्मेलन में। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था? तो जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद करके उन्हें आगा खा पैलेस पुणे में रखा गया था।
मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो मलंग बाबा भी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है। ठीक है। सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नाम पुस्तक के रचयिता कौन है? दैट इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता की जो ये उपाधि जो कहा गया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1950 to 1948 ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के रूप में गांधी युग के रूप में क्या है माना जाता है। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में बिहार के चंपारण जिले से था। गांधी जी ने किसे विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया गया? तो वेव मिलर को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1920 में की थी। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा अगर पूछा है यहाँ पर राजनीतिक गुरु तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गांधी जी, गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी किसने? हर्ष नैयर जी ने निभाई थी। नेक्स्ट है, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1909 में हिंद स्वराज नामक जो बुक थी वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में हम किसे जानते हैं? मार्टिन लूथर किंग को। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम के साथ जब महात्मा तब जोड़ा गया जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके साथ क्या महात्मा वर्ड्स ऐड किया गया। बाबा ओमटे की अभय सदक का किताब किसने दिया था? तो बॉम्बे ओमटे को अभय सदक का किताब जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो सबसे पहले जो है उन्हें महात्मा कहने का जो ये कहा गया था तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। गांधी जी ने यह कह कर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है विदेशी शिक्षा देने से इंकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह किया था? तो मणिलाल ने इस पे क्या हुआ था? विद्रोह किया था। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटी एरिया रॉटने के उन्हें जाना जाता है गांधी के रूप में। किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो सबसे पहले कांग्रेस को जो जन स्वरूप प्रदान किया वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यंग इंडिया की जो पत्रिका थी ये स्टार्ट की थी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो बर्मी गांधी के रूप में कौन जाता है? जनरल ऑंग सॉन जाना जाता है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर शुरू किया? तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की जो भूमिका है वो बैन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो वर्ष 1919 में जो सत्याग्रह आंदोलन के स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह जो आरंभ हुआ 1930 में ये क्या हुआ स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, गांधी जी ने किस आंदोलन की चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब कैंसर ए हिंद केसरे ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो केसरे ए हिंद की उपाधि से 1915 में क्या हुआ सम्मानित किया गया था। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में हम किसे जानते हैं? ये बॉम्बे ओमटे को जानते हैं। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो आधारभूत शिक्षा की बात करें तो वो कौन है? महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन को। महात्मा गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहां से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1930 में क्या हुआ, ये आंदोलन, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्राही के रूप में किसे चुना था? तो विनोबा भावे को क्या हुआ, सबसे पहले सत्याग्रही के रूप में उनको चुना गया। नेक्स्ट है, कैन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो कैनेटा को क्या है, जाना जाता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था, गांधी इरविन जो एक्ट था समझौता। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा गया था? तो अंग्रेजों ने। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो गांधी जी जो खादी को वो आर्थिक जो है फ्रीडम स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है मानते हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को जो है मैन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया गया था। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंडोनेशियाई गांधी के रूप में अहमद सुकुड़ो को के रूप में जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो शिमला में हुआ था। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो कुटीर उद्योग के गांधी जी क्या है, समर्थक थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा गया कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद ये कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन में जो प्रकाश था वो क्या है, चला गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में ये क्या है, कहा गया। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह है बारदोली से स्टार्ट किया गया था। गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे है? तो गांधी इरविन समझौते का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी जो थे ये स्लोगन दिए थे, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो वीर के अहिंसा जो है सबसे शक्तिशाली बल है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना में ये क्या है, बनाई गई। महात्मा गांधी जी को आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय जो थे आध्यात्मिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवद गीता को अपना धार्मिक ग्रंथ कहा था। संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी के जीवन के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया जाता है, घोषित किया था? तो 15 जून 2007 को। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का जो मुख्य कारण था, कॉज था, क्रिप्स मिशन की विफलता। 1932 में अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 1942 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये भी स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। यंग इंडिया और हरिजन समाज पत्र के समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया और हरिजन समाज समाचार पत्र के जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे जो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना जो है श्री राम की लंका यात्रा से की थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने क्या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने
कि सुझाव से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसको क्या है खत्म कर दिया जाएगा। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था, तो पीटर मैरिटसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, गांधी जी को अपमानित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था, तो बलिया में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में। चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे, तो चंपारण संघर्ष के साथ गांधी जी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का आरंभ जो स्टार्टिंग 1920 में की गई थी। गांधी जी के सत्याग्रह का हिंदी दो से जुड़ाव है वह क्या है, सत्य और अहिंसा है। तो गांधी जी के सत्याग्रह से मतलब दो जोड़ है, सत्य और अहिंसा से रिलेटेड है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था, तो 1933 में ये स्टार्ट किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म का आरंभ किया था 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी के एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था, सव्यज्ञ अवज्ञा आंदोलन। लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे। तो आई होप आप लोग ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस सीरीज को आप ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।